हेलो एंड वेलकम एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल एम पी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। माय नेम इज़ हर्षल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, कि हम बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करें, कौन सी हमारे लिए बेस्ट बुक्स होने वाली हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और कैसे हम 90+ स्कोर करें। मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेस्ट स्ट्रेटजी और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे है चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के पास्ट आठ आठ ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए हैं और आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बता चुका हूँ। गाइस, मेरे बायो में आए थे 93 नंबर आउट ऑफ 100, जो कि एक अच्छा स्कोर है। वो मैंने कैसे अचीव किया था, आपको भी कैसे करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए एंड तक आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने वीडियोज़ को लाइक करो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो गाइस, जैसा कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोला था आपको कि आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, पर बायो में ब्लूप्रिंट आपको यूज़ नहीं करना है। यूज़ करना है पर आपको ब्लूप्रिंट उतनी ज़्यादा काम नहीं आने वाली बायोलॉजी के लिए, क्योंकि आप पहले ब्लूप्रिंट देख लो बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट है, आप देख सकते हो 5 यूनिट है। आपको यहाँ चैप्टर वाइज नहीं दिया है आपको कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, आपको यूनिट वाइज दे के रखा है। पहली यूनिट रिप्रोडक्शन 14 नंबर, जेनेटिक्स 18 नंबर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ह्यूमन वेलफेयर 14 नंबर, बायोटेक 10 नंबर और इकोलॉजी 14 नंबर। इस तरह से आपका जो वेटेज है डिवाइडेड किया गया है सारी पांचों यूनिट्स में, लगभग एक जैसा ही है। आपको बायोलॉजी में इतना मान लो कि सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना ही है। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करूँगा, चैनल पर बने रहना। अब तो आप बोलेंगे हमें प्रिपेयर कैसे करना है, तो हमें प्रिपेयर करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पूरा 101% एनसीईआरटी। अगर आप नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए एनसीईआरटी वहाँ पे मैंडेटरी रहती है। फुल ऑन पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी अच्छी तरह से प्रिपेयर थी, इसीलिए मैं बायोलॉजी का पेपर इतना अच्छा गया। आपको एमपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पूरी तरह से प्रीफर करना है। अगर आप नीट जैसे एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत आसान आने वाला है, आपको बहुत ईजी लगेगा। जो ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके बायोलॉजी के बहुत इजी लगेंगे आपको, नीट में बहुत हार्ड आते हैं, उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, बहुत इजी से हो जाते हैं। आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया आपने, तो आप समझ लो कि आपका बायोलॉजी पूरा प्रिपेयर्ड है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ओके, तो आपको एनसीईआरटी अब बेस्ट बुक्स बता दूँ। बेस्ट बुक्स में आपको फर्स्ट होना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सारी रट लो, पीछे के क्वेश्चंस पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हाईलाइटेड टॉपिक्स है उनको पढ़ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आगे देता रहूँगा। और दूसरी बुक होने वाली परीक्षा बोध, एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले आएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बन रहा है एमपी बोर्ड के, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है तो ये बुक बाय कर लेना, एग्ज़ाम के कुछ दो या तीन महीने पहले आती है, इसको बाय कर लेना और इससे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेना, आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे बन जाएंगे। क्वेश्चंस पर आपको एनसीईआरटी से ही लगाना है, ये बुक आपके कोई काम नहीं आएगी क्वेश्चंस के लिए। मेरे तो कोई काम नहीं आई थी, मैंने बस ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, अभी भी कोरी की कोरी रखी है ये बुक, मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये बुक आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आपको मैंने बता दिया बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करना है, तो एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं। अब कैसे प्रिपेयर करना है गाइस, अब तो एनसीईआरटी पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाना है। एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम वही से पूछेगा। अगर आपके पूरे अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर्ड है तो डरना बिल्कुल नहीं, बस एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो 2019 से जो है बायोलॉजी में एनसीईआरटी से पूछा जाने लगा है, या 18 तक थोड़ा अलग था बायोलॉजी, 19 से एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। इसीलिए जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड जो पेपर है, आपको बस दो ही मिलेंगे, 19 और 20। बाकी आपके जो जितने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं कोई काम नहीं आने वाले, 2019 और 2020 के ही पेपर आपके लिए रेफरेंस के लिए है। इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो शायद ही रिपीट हो गए, क्योंकि नया नया एनसीईआरटी पैटर्न है, बायोलॉजी पूरा चेंज है। तो एनसीईआरटी से अच्छी तरह से पढ़ लो, पूरे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। पास्ट ईयर के जो दो क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लो और देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपको चैप्टर वाइज देख लो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, बायोलॉजी का पेपर ईजी आता है, बहुत लिखना पड़ता है, डायग्राम्स प्रैक्टिस करो। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाली वीडियोज़ में देता रहूँगा। अगली वीडियो होने वाली है हिंदी पे, हिंदी के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। आपको पास्ट हिंदी के पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के दे चुका हूँ, जाके देख लो वीडियोस अगर नहीं देखी है।
चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई हो तो, बेल आइकन को प्रेस करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, आपको क्या कंटेंट चाहिए, मैं आपको सब प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।